भाई जहाँ पे मैटर बड़े होते हैं ना वहाँ पे भाई विराट भैया केएलराहुल भैया यार खड़े होते हैं यार। जैसे देखिए भाई इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच में जो कि यार एशिया कप में हुआ रहा था वहाँ पे भाई मैटर बड़ा हो गया था तो भाई दोनों ने साझेदारी बनाई यार। और आज देखिए इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच जो कि वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया का खेला जा रहा था भाई, जिसमें यार इंडिया के तीन बैट्समैन ऑल आउट हो चुके थे भाई, 5 में 3 विकेट हो चुका था, लेकिन विराट केएल राहुल ने हार नहीं मानी भाई और दोनों ने साझेदारी 168 रन की बनाई और यार मैच जीत गया यार भारत। यार वर्ल्ड कप में भाई 2023 के पहली जीत यार भारत का, मुबारकबाद भाई। भाई क्या यार पारी खेली यार विराट कोहली और केएल राहुल ने, लाजवाब है। विराट कोहली 85 रन और केएल राहुल 95 रन यार, लाजवाब भाई क्या शॉट मारा भाई। अब कितने कॉन्स्टिट्यूएंट और कितने सावधानी से मैच खेला यार। हमारे ओपनर तो कभी चलते नहीं ऐसा हम मानते हैं भाई, क्योंकि हम बड़े बड़े मैचों में ओपनर का चलना एकदम निश्चित है कि नहीं ये चलना भाई। रोहित शर्मा उसी तरह गोल्डन डक, ईशान किशन भाई गोल्डन डक और श्रेयस अय्यर ने भी गोल्डन डक का एक पारी खेला, लेकिन भाई विराट कोहली द चेस मास्टर कोहली भाई। हर टीम चाहता है कि हमारे विराट कोहली की तरह भी हमारे पास प्लेयर हो, लेकिन भाई विराट कोहली जो एक ही बंदा है वो भी किंग कोहली, जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है भाई, वो सिर्फ भारत में ही है भाई। जिस माँ ने यार विराट कोहली को पैदा किया ना उस माँ को यार कोटि कोटि धन्यवाद कि यार इस देश को इतना बड़ा हीरा दिया आपने भाई। विराट भाई का नाम भी विराट है, काम भी विराट है यार, सही बात है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को धोना हो तो विराट का नाम लीजिए, पाकिस्तान के बॉलर्स को धोना है तो विराट का नाम लीजिए भाई, और चाहे इंग्लैंड के बॉलर्स को धोना है तो विराट का नाम लीजिए, चाहे जितने बड़े बड़े टीम के बॉलर्स को धोना है ना तो भाई विराट कोहली का नाम लीजिए, वो पक्का है कि इसमें पास ही हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ पे यार जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क यार कहर बरसा रहे थे, वहाँ पे यार जहाँ तीनों बैट्समैन हमारे गोल्डन डक पे आउट हो चुके थे वहाँ पे भाई विराट और केएल राहुल ने यार कॉन्स्टिट्यूएंट से एकदम रन बनाए भाई, एकदम आराम आराम से खेले, टुक टुक करके खेले भाई। 15 ओवर मात्र 38 रन थे भाई, लेकिन 15 ओवर के बाद भाई 42 ओवर में उन्होंने यार 200 रन का टारगेट चेस किया। भले 200 रन मानता है कि 20 ओवर में भी चेस हो सकता है, लेकिन भाई जिस तरह यार कहर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बरसा रहे थे ना भाई, उस तरह यार लाजवाब कहर बरसा रहे थे भाई, उसके बीच में विराट और केएल राहुल ने रन मारा, वो भी 10-20 रन नहीं भाई, 85 या 95 रन। गुड गुड, आई लाइक इट। खैर दोस्तों मैच की बात कर लेते तो यार मैच में क्या क्या हुआ भाई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत को तो बैटिंग किया भाई, वो भी चेपॉक के पिच पे चेन्नई में भाई, जहाँ पे यार हमेशा एम एस धोनी टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं वहाँ पे यार सब ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग की। उनके ओपनर जैसा कि हमेशा मिचेल मार्श और बुमराह की बॉल से आउट हो जाते हैं, तो आज भी उसी तरह वो भाई गोल्डन डक पे आउट हो गए, लेकिन डेविड वार्नर ने 41 रन की पारी खेली भाई। उसको यार कुलदीप यादव भाई कैच एंड बोल्ट ले गए भाई, कैच सीधा यार उनके हाथों में डेविड वार्नर ने थमा दिया। स्टीव स्मिथ भी अच्छा पारी खेल के गए, 46 रन अच्छा पारी खेल के गए, उन्होंने भी 46 रन मारा। मार्नस ने ज़्यादा नहीं मारा, वो 30-32 रन उन्होंने मारा भाई, उसके बाद कोई चला ही नहीं था, फ्लॉप रह गए भाई। मिचेल स्टार्क को ही 27-28 रन मारे, नहीं तो और कोई चला ही नहीं। जहाँ पे बॉलिंग की बात करते हैं, बुमराह ने 2 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा का कहर देखने को मिला 3 विकेट, अभी रविचंद्र अश्विन ने 1 विकेट लिया और यार कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया भाई और हार्दिक पांड्या 1 विकेट ले गए भाई। हर बॉलर ने यार हमारे इंडियन के विकेट लिया, हर बैट्समैन को यार तंग किया भाई, सबसे ज़्यादा तो रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को तंग किया था। आज हमारी भाई फील्डिंग बहुत खतरनाक थी यार, फील्डिंग आज छूट ही नहीं रहा था भाई। विराट कोहली का मस्त कैच भाई, जो कि यार कैच पकड़ा गया मिचेल स्मार्श का भाई, गजब का कैच पकड़ा था यार, लो डाइविंग कैच, ऊपर से यार लेफ्ट हैंड उनके तरफ भाई, वो राइट ही है लेकिन लेफ्ट वाला कैच पकड़े, लाजवाब कैच पकड़ाया उन्होंने यार। विराट भैया हर चीज़ में लाजवाब है भाई, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट रहना, चाहे एग्रेशन हो भाई, हर चीज़ में वो विराट है भाई। बात तो सही है। दोनों फैंस का यार दिल जीत लिया यार, आज हॉटस्टार पे भाई 3 करोड़ लीप पब्लिक देख रहा था भाई विराट कोहली और केएल राहुल का साझेदारी यार, 168 रन की साझेदारी, भले 200 रन पे बनाया, लेकिन यार वो अगर ना साझेदारी बनता तो हमारे मिडिल ऑर्डर में उतनी ताकत नहीं थी कि 200 रन चेस कर ले जाते, क्योंकि यार हमारे मिडिल ऑर्डर भी पाकिस्तान की तरफ फ्लॉप हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करते हैं, जोश हेजलवुड ने 3 विकेट लिए, मिचेल स्टार्क ने भाई 1 विकेट लिए और यार कोई विकेट नहीं ले पाया यार। ग्लेन मैक्सवेल उतने पे रहे, पैट कमिंस भी पिटाए, एडम जैम्पा भी पिटाए भाई, और कोई यार उतना 5 बॉलर का इस्तेमाल किया गया था और कोई उतना खास चला नहीं यार। जोश हेजलवुड लेकिन कहर बरसा रहे थे भाई एकदम यार, क्या गेंद फेंक रहे थे यार। मिचेल स्टार्क भी बहुत मस्त बॉल फेंक रहा था भाई आज बंदा यार। ईशान किशन यार जिस तरह आउट हुए ना भाई, आउट स्विंग बॉल पे यार गजब लगा यार भाई। ईशान किशन चौका मारने गए थे लेकिन आउट हुए, उसमें ईशान की गलती नहीं थी भाई, लेकिन यार रोहित शर्मा जिस तरह आउट हुए ना भाई, 5 बॉल डॉट खेल के 6ठा बॉल पे आउट,
पहले ही ओवर में यार भाई न्यूजीलैंड जो 2019 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था भाई, वो यार आज यार याद दिला दिया यार। 5-3 भाई न्यूजीलैंड का स्कोर था 3.1 ओवर में, आज यार 5-3 यार भारत का स्कोर था 3.1 ओवर में। जैसा लग रहा था कि यार मैच हार देंगे भारत, लेकिन भाई विराट कोहली और के एल राहुल भाई लाजवाब बैटिंग किया यार, बहुत लाजवाब यार। विराट कोहली यार एक और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने यार कि यार जो कि यार सबसे ज़्यादा रन जैसे है ना वर्ल्ड कप हिस्ट्री में भाई, चाहे किसी भी हिस्ट्री में यार, विराट कोहली सचिन सर से भी ऊपर निकल चुके भाई। सचिन सर का 5490 था, विराट कोहली का 5513 रन है भाई ओडीआई रन चेस में यार, गजब यार। विराट भाई यार हर चीज़ में आगे होता जा रहा है, अब बस यही एक चीज़ है कि वनडे में भाई वो नंबर वन स्पॉट कब पे आएंगे भाई। आज यार रोहित शर्मा पता नहीं क्या हो गया कि आज उनकी वाइफ सपोर्ट करने आए रितिका सचदेव, आज यार वो गोल्डन डक पे आउट हो गया यार। ईशान किशन को उसी तरह हुआ और श्रेयस अय्यर का भी उसी तरह हुआ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो भाई। रविचंद्र अश्विन यार एक विकेट कम से कम उन्होंने लिया अपने होम ग्राउंड पे, अच्छा लगा देखने को यार रविचंद्र अश्विन ने अपना वर्ल्ड कप का खाता 2023 का खोल लिया उन्होंने यार। यार समझ नहीं थे कि रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन यार किस तरह ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को नचा रहे थे भाई अपने फिंगर से यार, अपने बॉल से भाई, बहुत अच्छी तरीके से नचा रहे थे भाई। समझ नहीं रहे थे कि इस गेंद को कहाँ फेंक रहे हैं और कहाँ टर्न हो जा रहा है यार, इतना टर्न हो रहा था गेंद की यार क्या बताएं यार। भाई रविंद्र जडेजा का वो होम ग्राउंड है, रविचंद्र अश्विन का भी होम ग्राउंड है, रविचंद्र अश्विन का तो तमिलनाडु क्रिकेट के लिए, रविंद्र जडेजा का भाई वो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान के लिए है भाई। भाई सीएसके के फैमिली मेंबर ना है वो रविंद्र जडेजा, और सीएसके टीम कहाँ की, चेन्नई सुपर किंग भाई, चेन्नई की है यार। तो भाई रविंद्र जडेजा एक एक चीज जानते, तिनका तक्का जानते हैं कि रवि चेन्नई में कौन सा पिच और कौन सा बॉल कहाँ टर्न होगा। तो रविंद्र जडेजा विकेट नहीं लेंगे तो और कौन तीसरा आगे विकेट लेगा यार। यार प्लेयर ऑफ द मैच भाई केएल राहुल को मिला यार, हमको उम्मीद था कि विराट कोहली को मिलेगा, लेकिन क्योंकि यार विराट कोहली यार बहुत मस्त पारी बनाए हैं यार, जिस तरह उन्होंने पारी बनाए, लेकिन लास्ट तक केएल राहुल खेले तो यार केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। अच्छा कोई बात नहीं भाई, एक मैच आपका और बाकी मैच तो विराट कोहली का ही भाई। यार मेरे को लगा कि यार विराट कोहली का सेंचुरी बनेगा, लेकिन यार ना विराट का सेंचुरी बना ना केएल राहुल का सेंचुरी बना भाई। विराट कोहली 85 रन पे आउट हो गया यार, जॉस हेजलवुड की बॉलिंग पे गजब का मार्नस लेबिस्चेंज ने कैच पकड़ा यार, गजब कैच पकड़ा भाई। आज लग रहा था विराट सेंचुरी मार ही देंगे भाई, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा था, लेकिन केएल राहुल कुछ अलग मूड में आए थे भाई। लास्ट 5 रन बचे हुए थे जिसमें से यार केएल राहुल ने छक्का मारा और सेंचुरी के बेहद करीब रहेंगे भाई, 3 रन से मात्र सेंचुरी छूट गया उनका यार। अफसोस भी बाद में करने लगे कि यार काहे छक्का लग गया भाई, चौका लगता तो फिर छक्का मार के सेंचुरी कंप्लीट करते। खैर कोई बात नहीं यार, अगले मैच में सेंचुरी केएल राहुल का पक्का होगा। अब भाई लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि भाई यार हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में यार जार्बो का एंट्री हुआ भाई, शुभम गिल की जगह पे आज जार्बो 69 खेले, तो वही जार्बो 69 जो इंग्लैंड क्रिकेट में आए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में आए थे भाई, आज यार जार्बो 69 यार इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे थे। जैसा लग रहा था इंडियन क्रिकेट टीम यार शुभम गिल की जगह पे उनको उतारा है भाई। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब, वो भी एक मस्त कॉमेडियन है, इंग्लैंड से सीधा यहाँ ट्रेवल कर लिए इंडियन इंडिया यार, इंडिया में मैच देखने के लिए। चेंज तो एक चेंज तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ, शुभम गिल के जगह ईशान किशन को खिलाया गया, लेकिन ईशान किशन का बल्ला खामोश रहा भाई। अगले मैच में देखते हैं कि शुभम गिल रिटर्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते भाई, क्योंकि यार 11 तारीख को भाई हमारा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का मैच है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, किसी भी टीम को कम नहीं आंकना है भाई। नेदरलैंड देखे किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग किया यार भाई, छोटा सा तिनका भी पूरे महल को आग लगा देता है, तो उसी तरह नेदरलैंड है यार, अगर उनका छोटा सा तिनका भी चल गया ना तो भाई भारत को हरा सकता है। खैर दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएगा कि आज यार आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में, विराट कोहली के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, तब तक लिए।